तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है रोप हीरो वाइस टाउन के एक और नए गेम प्ले में। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि एक शॉर्ट था वो देखा हो तो उसमें आपको पता होगा हमने अपने रोप हीरो के लिए हमने एक हड्डी वाला मास्क खरीदा था, ये वाला, और ये टोपी खरीदी थी पुलिस की, और कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में टिम्सन को ये सब दिखाने जाने वाले हैं। तो हम लोग जाएंगे टिम्सन के घर और उसे दिखाएंगे अपना ये नया हुलिया और देखते हैं वो क्या रिएक्शन देता है, वो डर जाता है या खुश हो जाता है, या ये सब जो हमारा नया फेस लुक है इसे देखकर उसका क्या रिएक्शन होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं टिम्सन के घर पे और हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, आ गए। हेलो टिम्सन, क्या हाल चाल है तेरे, बहुत दिनों से मिला नहीं, पहचाना मुझे, कौन हूँ मैं? अरे भाई तू कोई भी हो यार, अभी मुझे अकेला छोड़ दे, अभी मुझे बहुत टेंशन है। अरे यार टिम्सन, क्या बात कर रहा है, मैं हूँ रोप हीरो, मुझे पहचाना नहीं क्या तूने? रोप हीरो ये तू है, पर तेरा तू तो अलग ही हो गया यार बिल्कुल। पर ये सब छोड़ यार रोप हीरो, मैं तुझे पता है मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है वाइस टाउन में, तू पता नहीं कहाँ अपने खेलों में लग रहा है। तुझे पता है मिलिट्री बेस में वो आ गए हैं ज़ॉम्बीज, उन्हें हराना होगा। क्या बात कर रहा है यार टिम्सन, ज़ॉम्बी वो भी हमारे मिलिट्री बेस में, मैं इस वाइस टाउन में ही पला बड़ा हूँ इसलिए मुझे इसकी इज्जत बचाने के लिए उन्हें हराना ही होगा और अपने सिपाहियों को बचाना होगा। चलो बाद में मिलता हूँ, फिर मैं जाता हूँ मिलिट्री बेस उन ज़ॉम्बीज को हराने के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने टिम्सन के मुंह से सुना, मिलिट्री बेस में हमारे ज़ॉम्बीज घुस गए हैं तो हमें उन्हें हराना ही पड़ेगा इस वाइस टाउन की शान और इज्जत के लिए। चलो ये कार ले लेता हूँ इन भाई साहब से और इसी में जाता हूँ मिलिट्री बेस पे। ये तो यार कैड़ा ही सीन हो गया हमारे पीछे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रोप हीरो मिलिट्री बेस पर पहुंच चुका है और देखते हैं हम उतर के कितने ज़ॉम्बी हैं, सबको खत्म कर देंगे हम। और ये दोस्तों दूर से तो मुझे ये सारे आर्मी वाले दिख रहे हैं, अंदर जाके पता चलेगा कि असली क्या चीज है। तो यहाँ पर मैं रोप मार के इस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता हूँ और मिलिट्री वाले तो मेरी गोली मार रहे हैं। दोस्तों शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि मैंने ये जो हड्डी वाला ये लगा रखा है, कहीं ये मुझे भी तो ज़ॉम्बी नहीं समझ रहे और इसीलिए कहीं मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, इसीलिए उतर के देखता हूँ यहाँ पे। और ये मिलिट्री वाला आता है, इसी से पूछता हूँ क्या बात है, और इनने तो फायरिंग शुरू कर दी। अरे यार भागना पड़ेगा यहाँ से तो जल्दी से। गाइज यहाँ पे मैंने अपनी यूनिक वाली गन निकाल ली है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मेरी जान को ही खतरा है, मिलिट्री वाले तो मुझे ही मारे जा रहे हैं, तो इससे हम फायर करके मिलिट्री वालों को पैराशूट में उड़ा देंगे, इनसे इनको कुछ नुकसान नहीं होगा, ये बस पैराशूट की तरह उड़ जाएंगे, बाकी मरेंगे नहीं। वरना दोस्तों अगर ये ऐसा नहीं किया तो ये तो मुझे ही मार देंगे। लेकिन अभी तक यहाँ मुझे ज़ॉम्बी नहीं दिखा एक भी, तो यहाँ 2-3-4 मिलिट्री वालों को मैंने टांग दिया पैराशूट में और ये पांचवे को भी टांग देता हूँ जल्दी से। अरे तो चक्कू वक्कू लेके आ गया, इसे भी टांग देता हूँ दोस्तों, गलती से एक मर गया, कोई बात नहीं। खैर तो चले दोस्तों, देखता हूँ आगे हो सकते हैं, हो सकता है आगे हो ज़ॉम्बीज हमें पीछे ना मिले। यार ये तो आगे भी मिलिट्री वाले ही हैं सारे, पूरा मिलिट्री बेस हमने छान मारा और एक ज़ॉम्बी नहीं मिला। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा है दोस्तों, मुझे लग रहा है टिम्सन ने हमारा बेवकूफ बनाया है, अभी इस हेलीकॉप्टर में जाके उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ, या वरना यहाँ पे रुका तो ये आर्मी वाले तो मुझे ही मार देंगे। टिम्सन के बच्चे आ रहा हूँ मैं, अपनी खैर मना ले। ये आ गए हैं हम टिम्सन के घर। ओए टिम्सन, तूने तो कहा था वहाँ पे मिलिट्री बेस में ज़ॉम्बी आ गए हैं, हम वहाँ गए पर वहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं था। एक काम करता हूँ, हेलीकॉप्टर में से उतर जाता हूँ, उसके बाद इस टिम्सन के बच्चे से निपटूंगा। और ये बैरिकेड कूद के मैं जा रहा हूँ टिम्सन के घर उसको सबक सिखाने के लिए। पुलिस वालों हट जाओ यहाँ से वरना तुम्हें भी मार दूंगा, ले हट तू भी। टिम्सन ये भद्दा मजाक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे रोप हीरो यार तू गुस्सा मत हो, मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रहा था। की मजाक, तेरे मजाक के चक्कर में पता है कितनी मुझे पेड़ पीछे पुलिस पड़ गई, आर्मी वालों ने मुझे मारा, आज मैं मर जाता तेरे मजाक के चक्कर में। और ये पुलिस वालों को अभी भी चैन नहीं आ रहा, इन्हें तो खत्म ही करना पड़ेगा, ले हट। तो टिम्सन के बच्चे आज के बाद ऐसा मजाक मत कर दियो, भाग गया दिख है। लेकिन दोस्तों मैं इसे छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, आज इसकी वजह से मुझे बहुत मार पड़ी है इसलिए इसको भी मैं आज नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों टिम्सन बेवकूफ की वजह से इतनी सारी मेरे पीछे पुलिस पड़ गई और दोस्तों 3-4 स्टार मेरे पे लग चुके हैं, वरना हेलीकॉप्टर भी आ सकता है, जल्दी से यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों मैंने टिम्सन को मार के सही किया या गलत किया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय। आज के लिए तो दोस्तों मुझे भागना ही पड़ेगा वरना ये पुलिस मेरे पीछे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि आर्मी बेस में मैंने जो इन्हें पैराशूट बना बना के उड़ाया है वो इन्हें शायद अच्छा नहीं लगा, और देखते हैं दोस्तों क्या पता हेलीकॉप्टर भी आ ही रहा हो।
गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।